प्रेज गॉड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज का जो मेरा विषय है, चैप्टर 45, एंड यू नो इफ आई टॉक समथिंग एल्स दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लेट मी टेल यू समथिंग। अगर मैं इसे मेरे दूसरे प्रोग्राम के समान करता तो बेहतर होता। सवाल आपके, जवाब बाइबल के। समबडी सेड, पास्टर इज दिस रॉन्ग टू सिंग लव सॉन्ग फॉर मी, फॉर माई प्रियांसे? पास्टर क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए प्यार का गीत नहीं गा सकता? मेरा तो दिल उमड़ रहा है ना, मेरा तो, मेरे मन में तो बड़ा आनंद है, खुशी है, मेरे जल परी है। ओके, मेरे जीवन की वो खुशी, ना केवल मैं परंतु हम दोनों बहुत खुश हैं। सो कांट आई सिंग अ सॉन्ग, लव सॉन्ग फॉर माई वाइफ, फॉर माई फ्यूचर वाइफ, मेरी होने वाली पत्नी के लिए मैं एक लव सॉन्ग नहीं गा सकता? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? इज दिस रॉन्ग पास्टर, क्या ये गलत होगा? ओके, आई सेड यू नो व्हाट, एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली बाइबल सेज अबाउट दिस? लोग ये सवाल पूछे तो जवाब है, मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल आपके, जवाब बाइबल के। लेट्स गो एंड रीड चैप्टर 45। ऑफ कोर्स मैं दूसरी बुक नहीं खोल रहा हूँ, कंटिन्यू टू द सेम बुक, भजन संहिता 45। राजा के लिए विवाह का गान। क्या गान है? ये शूशनीम राग में कौरव वंशियों का मश्कील, जो प्रेम का गीत है। यहाँ लिखा है, ओके, क्या लिखा है? मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए, तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे और राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा, तू राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस्त, अगर और तेज से सुगंधित हैं, तो हाथी दांत और मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में, राजकुमारियों में भी है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी की भेंट करने के लिए उपस्थित रहेगी, प्रजा को धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुँचाई जाएगी। जो कुमारियाँ उसकी सहेलियाँ हैं, वे उसके पीछे चलती हुई तेरे पास पहुँचाई जाएंगी, वे आनंदित और मगन होकर पहुँचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। मैंने बहुत सिंपली से ऐसा पूरा पढ़ दिया आपके लिए। जब मेरा विवाह हुआ 2008 में 2 अप्रैल, 1 अप्रैल तय किया था मैंने, क्योंकि मैं पंडित हूँ ना, डेट मैंने ही निकाली थी। 2 अप्रैल मैंने तय किया, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, बाइबल कॉलेज फ्रेंड, ही सेड, आकाश मैं तुम्हारी शादी में विवाह का गीत गाऊंगा, प्रेम गीत गाऊंगा। आई सेड,
ओ रियली, क्या ये सही है? वो म्यूज़िक टीचर है बाय प्रोफेशन, और उसने प्रभु की आराधना संगति भी की और सेवा में भी, और उसने वो गीत गाए जो कि मसीह वचन के अनुसार आदर और सम्मान के साथ विवाह के प्रेम गीत हैं। मुझे एग्जैक्टली वो शब्द इस समय याद नहीं आ रहे, और वो गीत मैंने पहली बार सुना, इट वॉज ब्यूटिफुल। उस गीत में परमेश्वर का आदर था, जैसा कि अभी आपने सुना, परमेश्वर की स्तुति थी, और विवाहित जोड़े के लिए आपस के बीच की जो वाचाएं हैं उन वाचाओं के शब्दों के साथ था। ये गीत उसने स्वयं लिखा था, और भाई सिंगर है, उसके कुछ गीत आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। रवि जोसेफ जयपुर से ही है, बहुत कम गीत गाए हैं रवि ने, इज़ अ गुड सिंगर एंड गुड म्यूज़िक प्लेयर ऑल्सो, पर ये उसकी उसको गीत लिखने का वरदान है, और वो बहुत अच्छे गीत लिखता है, एंड ही डज दैट। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके जीवन में देखी हैं, कुछ भी गलत इसमें नहीं है, तब तक कि जब तक आप ये देख रहे हो परमेश्वर के वचन के अनुसार कि तुम्हारे द्वारा जो भी कुछ तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, अगर उससे महिमा नहीं है then that is going in different direction, वो गलत और किसी direction में जा रहा है जो शायद प्रभु यहोवा ने तैयार नहीं किया। Directions बहुत बार बदल जाते हैं, मार्ग तो बहुत से हैं, सब मार्ग यहोवा के भवन में नहीं पहुँचते, यहोवा के पास नहीं पहुँचते, तो ये direction हमें समझना ज़रूरी है, और उसे समझने के लिए पवित्र शास्त्र की शिक्षा ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु आपका आशीष करे। Let's pray together. Lord bless us, give us wisdom to understand right direction towards you, तेरी ओर सही मार्ग जो है उसे समझने में हमारी अगुवाई कर, बुद्धि ज्ञान दे, अभिषेक कर, तुझ में चले तेरे द्वारा चलें, गलत बातें गलत चीज़ें हमसे दूर रहें, तेरी मर्जी हम में पूरी हो, इस्तेमाल कर। धन्य तू, धन्य तेरा राज्य, धन्य तेरा सिंहासन जिस पर तू विराजमान है। हे सुनने वाले, उत्तर देने वाले, तेरा धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं हम, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड, आगे बढ़िए, प्रभु की स्तुति कीजिए, वो कीजिए जो वो चाहता है आपसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।